रूप में वो अन्याय मार्ग में चल रहे हैं, आतंकवाद तो हो रहा है और दुनिया में जो जो रस धातु है वो सब तो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी कम हो रही है, कश्मीर दूषित है और वातावरण बहुत दूषित है। ये सब दुनिया का विचार है, ये दुनिया का विचार से योगाभ्यास में ध्यान में बहुत कुछ कर सकते हैं जो ये विज्ञानी लोग करोड़ करोड़ों का रुपये से नहीं कर सकते हैं, यंत्रों से नहीं कर सकते हैं। हम हमारा भाव से, हमारी निष्कलंक निर्मल मन की वृत्ति से सब लोग मिलकर ये कर सकते हैं। ये तो परित्राण, इतनी शक्ति है योग मार्ग में। ये सबका उपाय हम बोलने वाले, सबका मंत्र बोलने वाले, एक किताब होगा उतना समाचार है हमारे शास्त्र में। ये सब योग का लक्षण है। फिर कैसे ये कर सकते हैं? चिंतादि, इसको बोलते हैं चिंतादि, चिंता से कर सकते हैं, संघ से कर सकते हैं, बोधन से कर सकते हैं, बहुत कुछ उपाय में कर सकते हैं ना। चिंता मैंने एक आदमी को नहीं बोल सकते क्योंकि वो बहुत दूर होगा, नहीं तो दुश्मन होगा, दुश्मन का कैसे बोल सकते हैं, दूर आदमी को कैसे बोल सकते हैं, इसलिए चिंता से कर सकते हैं। संघ मैंने उनके पास जाके मिल के कर सकते हैं, बोधन में इनका प्रक्रिया सब दिखा के मार्गदर्शन से वो कर सकते हैं, प्रदर्शन मैंने हमारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो वो डर के हमको सुनेगा कर सकते हैं, कोई आदमी को दंड से ही हम सुना सकते हैं। इसलिए चिंता पद्धति, संघ पद्धति, बोधन पद्धति, प्रदर्शन पद्धति, दंड पद्धति। एक आदमी ने, एक बहुत बड़ा संत थे, एक जगह में मध्य शराब उसकी बिक्री वहाँ हुई, वो आदमी क्या किया, बहुत बड़ा संत है, वहाँ जाके वो क्या किया, एक भांड में वो मध्य का पान किया और एक आदमी ने देखा इतना बड़ा संत वो पी रहा है ना, हम भी पी लेंगे ऐसा, वो तो पी लिए। इसके बाद कुछ और एक जगह को वो गए थे, वहाँ तो ये सब ये लोह का भांड बनाने वाला, तो वो लोह का द्रवीकरण किए थे, द्रवीकरण जानते हैं ना, मेल्टिंग ऑफ आयरन, वो कैस्टिंग के बारे में वो काम करने वाले हैं, इसलिए वो द्रवीकरण की पद्धति में वो साधन में रख के वो लोह के डाल के वो जो द्रवीभूत है उसका वो आकार है ना मोल्ड, वो आकार में वो तो डाल के वो काम किए हैं। ये संत ने वहाँ जाके जो वो द्रवीभूत लोह है उसको ऐसा पी लिया, ऐसा मध को पिया, वो प्रदर्शन देख के वो आदमी बहुत डर गए। इसलिए और एक दूसरी कहानी भी हम सुने, सदाशिव ब्रह्मेंद्र नाम एक बहुत बड़े संत थे, उन्हें क्या किया, उनके पास बहुत लोग, उनके पास बहुत विरोधित है वो गांव में, इसलिए वो मार्ग में चलने के समय में एक आदमी चाकू से वो जाने के समय वो ऐसा गा के भगवान का स्मरण पर बहुत निमग्न है ऐसा वो गए थे, फिर एक आदमी चाकू से काट लिया इसको, इसका भाव को, इसलिए हाथ को काट लिया। वो आदमी कुछ भी नहीं, उसका दर्द का प्रदर्शन नहीं किया, कुछ भी चिंतन नहीं किया, कुछ भी देखे भी नहीं, वो ऐसे ही गा के आगे चले थे और ये आदमी डर गया। अरे उनको रोना लगी और उनको डर लगी, जिसको उनको जो जिसको काट लिया उनको जो 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 विकार होना है शरीर में और मन में वो सब विकार जो काटा था उनको हो गया, इसलिए वो डर के उन्हें बोला स्वामी जी माफ़ कीजिए। अरे वो देखे कौन हो तुम, क्या ये क्या है, हाथ में रख क्या रखे, किसकी हाथ है आपका, ये हम अभी ले लिए प्रसाद घर से, ठीक है वहाँ ही रख लो चल जाओ, परवा नहीं, माफ़ कीजिए परवा नहीं, रख लो चल जाओ। वो तो ऐसा रखे थे, फिर ऐसा अभिन्न रूप हो गया वो तो आदमी ऐसा निकल गया। इसलिए ये तो प्रदर्शन बोलते हैं, जिसमें दंड नहीं दिए वो महात्मा, ये दोनों कहानी में दंड नहीं दिए ना, महात्मा लोग दंड दे सकते हैं, महात्मा लोग दंड दे सकते हैं, बहुत बड़े महात्मा लोग प्रदर्शन से ही दंड देते हैं। हम कितने बड़े हैं वो दिखाने के समय में तुम कितने छोटे हो वो सब मालूम हो जाएगा, उससे बड़े दंड क्या होना चाहिए आपको। इसलिए ये प्रदर्शन दंड ये सब योग का कल्याण ही है, इसलिए योग शास्त्र हमको अवश्य है। योग खुद हमारे लिए कर सकते हैं, इसको आत्म बोलते हैं, हमारे आदमी लोगों के लिए कर सकते हैं, दूसरा आदमी जो योग में नहीं आता है उनके बारे में भी कर सकते हैं, यदि योग में आदमी नहीं आ रहा उनके बारे में हम कर सकते हैं, वो तो आवरण की कल्याण के लिए और आत्मा की कल्याण के लिए हम कर सकते हैं। इसलिए बंधु के लिए, हमारा आवरण के लिए, आवरण में नहीं ये प्रपंच के लिए कर सकते हैं, आत्मा आवरण बंधु, जो हम हैं हम तो आत्मा है, हमारे संबंधित जो है वो बंधु, हमारा जगत संबंध जो जो है वो सब आवरण, सबके लिए कर सकते हैं। अभी इसमें त्रैविध्य जानना चाहिए, अष्टांग योग बोलते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि में त्रैविध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रैविध्य, त्रैविध्य मैंने आसन प्राणायाम ध्यान, ये तीन तो बहुत सुपरिचित है दुनिया में और प्रबल है ना, सब लोग ये तीन जानते हैं। यम नियम बोलेंगे तो अरे यम कौन है, वो आता है ना वो महेश के ऊपर, वो क्या है ऐसा पूछ लेंगे, वो तो उतना परिचय नहीं है, सबको परिचय, सब जो कर रहे हैं वो तो तीन ही है, एक तो आसन, दूसरा तो प्राणायाम और तीसरा तो ध्यान, ये सब तो है,
और योग क्यों कर रहे हैं, योग का कल्याण और हमारे शरीर में जो परिणाम होता है वो क्या है, बहुत बड़ा रहस्य है ये। पहला कारण तो बहुत अच्छा कारण है, देहांतर वासना शेष विनाशः, देहांतर वासना शेष विनाशः। इसके पहले मनुष्य तो बहुत बड़ा जानवर, बहुत असंख्यात पक्षी जानवर कृमि कीड़ों आदि जन्मों में प्रवृत्त होकर यहाँ आया है, उसका वासना शेष यहाँ होगा जिससे पुनः वो जन्म प्राप्ति होने के लिए तो कुछ संदर्भ है। जो इस जन्म के पहले बहुत जानवर पशु पक्षी कृमि कीड़ादि रूपों में वो तो इसके पहले थे, जिसलिए अभी वो गुण का प्रकटन भी होगा और गुण का प्रकटन और भाव का प्रदर्शन से पुनः वही जन्म प्राप्त करने के लिए वो सौभाग्य मिलेगा शायद, इसलिए वो सबसे विमुक्ति होने के लिए योगाभ्यास में माँ जरासन शशासन श्रृंगासन मृगासन ऐसा सब पक्षी पशु आदि रूपों का विकार करने से वो शरीर प्रतिष्ठा से वो सब देहांतर वासना से सब विनाश हो सकता है। वो जिसको नहीं हुआ वो सबके ऊपर वो जानवरों का गुण कुछ कुछ होगा जिससे वो गुण बढ़ा के फिर भी वो जानवर का देह संपत्ति हमको मिल सकती है। वो सबसे विमुक्ति होने के लिए दूर होने के लिए देहांतर वासना शेष विनाश ऐसा समझने से ही हमको बहुत कल्याण होगा, लेकिन ग्रंथों में परंपरा में ये सब नहीं सिखाते हैं। और दूसरा तो सर्वभूत दया, दुनिया में जितने वस्तु है वो सबका रूप हम लेंगे तो वो सबके ऊपर दया हो जाएगी। मृग का रूप, धनुष का रूप, पंचभूत का रूप, ये सब दुनिया में एक एक वस्तु का आसन में बैठ के हम ध्यान करेंगे तो वो वस्तुओं का प्रातिनिध्य हमारे अंतर्गत होगा, जिसलिए वो परस्पर संबंध का ज्ञान हुआ। परस्पर संबंध का ज्ञान प्राप्त करने से हमको अवश्य सबके ऊपर दया और प्रेम और स्नेह भाव हो सकता है। इसलिए सर्वभूत दया, सब अनुष्ठान, सब का अनुष्ठान और शरीर चेष्टा का प्रदर्शन नहीं तो प्रतिकरण इमिटेशन वो करने से हमको क्या मिल सकता है, सर्वभूत दया। तीसरा मानव संपत्ति, ऐसा सब कुछ निकालने के बाद ही वो पूर्ण मानव है, इसके पहले तो पूर्ण मानव नहीं था, इसलिए मानव संपत्ति। मानव संपत्ति मिलने के बाद दिव्य अनुकूल संपत्ति, यदि भगवान हमारे ऊपर कुछ अनुग्रह करना चाहता है, यदि कुछ ऋषियों हमको अनुग्रह देता है, ऋषियों का अनुग्रह तो है हमारे पास, हमारे लिए इंतजार कर रहा है, और हमारा पितरों का अनुचरण और अनुकार और आचरण जितने उन्होंने अच्छे किए वो सब भी हमारा इंतजार में है, लेकिन वो अंदर जाके अभी फल रूप में नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी अर्हता हमारे पास नहीं है। मानव संपत्ति होने के बाद ये सब निकाल के हमारी मानवता को साफ करने के बाद हमको दिव्य अनुकूल प्रवृष्टि हो सकता है। जितना भगवान करना चाहता था, जितने इसके पहले किया लेकिन निष्फल हुआ, जितने हमारे पूर्वज लोग हमारा पितृ लोग और आचार्य लोग ऋषि लोग जितना प्रसाद हमको दिए हैं वो सब निष्फल हुआ, अर्धफल हुआ, अफल हुआ, वो सब हमारे इंतजार में जितने हुआ अभी ये साफ करने के